हेलो किड्स, आई होप यू आर गुड एंड सेफ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेसन टू संत कबीर के अति महत्वपूर्ण दोहे। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा ताकि ये दोहे आपको जीवन भर याद रहे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हो जो मैंने नाम दिया लेसन वन, उसमें भी जो दोहे मैंने बताए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वो वीडियो भी ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जिसका अर्थ है बच्चों, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। आइए जानते हैं अगला दोहा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। आइए जानते हैं इसका अर्थ। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। आइए जानते हैं अगला दोहा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। जिसका अर्थ है बच्चों, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। आइए जानते हैं अगला दोहा। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। जिसका अर्थ है बच्चों, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। आइए जानते हैं अगला दोहा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसका अर्थ है बच्चों, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। आइए जानते हैं अगला दोहा। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न को उझाना। जिसका अर्थ है बच्चों, कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। आइए जानते हैं अगला दोहा। कहत सुनत सब दीन गए उर्जी न सुरजिया मन, कही कबीर चेत्या नहीं अजहू सो पहला दिन। जिसका अर्थ है बच्चों, कबीर कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। आइए जानते हैं अगला दोहा। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानी हंसा चुनी चुनी खाई। जिसका अर्थ है बच्चों, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुप चुप कर खा रहा है। इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है।